30 साल से आप कह रहे हैं आप टमटम चला रहे हैं, आप अपने बेटे को इस काम के लिए आने देंगे आगे? ना ना, जिंदगी में कभी भी नहीं। देखो तो हम ही सब मजबूरी से जी रहे हैं, उसको कहाँ से ला देंगे। आप कैसे आ गए इसका? आप देख रहे हैं द बिहार में, आपके साथ मैं हूँ भारती द्विवेदी। पटना का गांधी मैदान, जिसकी ऐतिहासिक महत्ता बहुत ज़्यादा है, गांधी मैदान के पास एक जगह है जिसका नाम है बाकीपुर टमटम पड़ाव। कभी इस जगह की शानो शौकत बहुत थी, लेकिन मोटर गाड़ी की रेस में ये जगह काफ़ी पिछड़ गया है। यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, चुनावी महीना है, लेकिन सरकार ने कभी इनके मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी समस्या क्या है और अब वो सरकार से क्या चाहते हैं। बिंदेश्वर यादव। बिंदेश्वर यादव, कितने सालों से यहाँ मतलब आप टमटम पड़ाव में अपना काम कर रहे हैं? हमरा हो गया कम से कम मान के चलिए 35 साल से ऊपर। 35 साल से है, ठीक है। तो 35 साल पहले क्या स्थिति थी इसकी और आज तो मतलब ये बहुत खराब हालत में है। 35 साल पहले हम लोग का बुझाता था कि हम लोग सरकारी सर्विस कर रहे, सर्विस भी ठुकरा दिए अपने हाथ से। कौन सी सर्विस थी आपके पास? पद भवन में हमको नौकरी लग रहा था, ठुकरा दिए। तो आपने मतलब ये घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए नौकरी छोड़ दी? उस बार हम लोग के बहुत आराम बुझाता था इस लाइन में, जितने आराम बुझाता था उतने आज कष्ट में है हम लोग। क्या आराम था उस टाइम 30 साल पहले? 30 साल पहले जैसे हम लोग को नहीं बुझाता था कि हम लोग के कमाने पड़ रहा है, कभी भी बाजार में निकल गए तो 100, 50, 150 कमा लेते थे और 150 में हम लोग का परिवार खुश रहता था। आज 500 भी कमाते हैं तो खुश नहीं है, 500 होता है तो महीना दिन होता है। मतलब वही है कि अब तो गाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई है कि टमटम कोई पूछता नहीं है। तो कैसे मतलब अभी तो कोरोना में लॉकडाउन की वजह से शादी ब्याह भी सारे रुक गए, तो इस साल कैसे कमाई हुई? इस साल हम लोग कर्जा में डूबे हुए हैं, आपसे उनसे कर्जा लिए हुए हैं, लॉकडाउन के बाद लगन चलेगा, कमाएंगे तो उसको देंगे, वही में बाल बच्चा चलेगा। कुछ बुकिंग मिली है आपको? बुकिंग मिली है 2-4 को। इस बार चुनाव तो मतलब शुरू ही हो गया है, आपके विधानसभा में पहले चरण में चुनाव है, क्या लग रहा है किसको वोट दीजिएगा? और पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? ना ना, पुष्पा जो बता रहे हैं आप उनका नाम हम लोग के पास नहीं है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मतलब उनका दावा है। आज हम लोग उनका शकल तक नहीं देखे है, नाम भी नहीं सुना था, नाम भी नहीं सुने है। हम लोग नीतीश जी के जानते है, किशोर यादव के जानते हैं, आपको ये हुआ नितिन नवीन तो आपके विधायक हैं। हाँ। पिछले 5 साल में कोई मुलाकात? आप कह रहे हैं स्थिति बहुत खराब है, कोई मदद मिली है? कभी नहीं, कोई मदद नहीं हुआ है हम लोग का। लॉकडाउन में भी कोई पूछने नहीं आया कि किन्ने आपका क्षति है, चाहे क्या है, चाहे 2 टाइम का खाना का व्यवस्था, कोई ऐसा नहीं हुआ। पप्पू यादव पटना में बहुत एक्टिव है और वो बहुत सारा काम हम लोग के पास आएंगे। मैडम पप्पू यादव भी टमने माला को कोई मदद नहीं की ना। आप लोग अपनी तरफ से किसी नेता के पास कभी गए हैं इस जगह को फिर से पुराना इसका गौरव लौटाना? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं बोलेंगे हम लोग, कोई पर भरोसे नहीं है। जब मेन मुख्यमंत्री लालू यादव हटा दे, एक बार नीतीश कुमार भी भीड़ गए रैली लेकर, कम से कम 200 आदमी की संख्या में आर ब्लॉक पर रोक दिया गया, वहाँ से गए उनके आवास पर, 5 आदमी कागज जो था हम लोग के दिए, कोई सुनवाई कोई अच्छी नहीं हुआ, उसके बाद नहीं गए। अच्छा, ये जो जी रहे हैं, ये जो आपका एरिया भी है तो धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है। हाँ। तो इसके लिए क्या करने वाले आप लोग? क्या करेंगे सर, हम लोग से होगा क्या, हम लोग कमजोर। आप लोग का यूनियन नहीं है? यूनियन है, अब यूनियन यहाँ पर सरकार यूनियन का नहीं है, यहाँ एकाध को भी MP विधायक कोई भी रहता हो पार्टी से तो हम लोग का मुद्दा बनता है। पहले आप अपना नाम बता दें। राजू। अभी आप ये टमटम पे सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? तान मार्केट उतारे जा रहे हैं। कितना इसके लिए कितना पैसा मिल जाता है आपको? 25 रुपये बंडल मिलता है, 300 रुपये बंडल दे देता है, हर तरह का भाड़ा है, 400-500 के चल जाते हैं। आने जाने में कितना टाइम लगेगा आपका? 1 घंटा, 1 घंटा आने से जाने में लगेगा। अच्छा। 1 घंटा होने से आने में 2 घंटा हो गया। तो आपको लगता है कि 2 घंटे के लिए 300-400 जो रुपए मिल रहे हैं वो काफी है? क्या करिए, पेट के मजबूरी में कर रहे हैं, केनु कामे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो नहीं, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनसे आप लोग कहते नहीं है कि भाड़ा बढ़ाइए या ज्यादा? सुनेगा गाड़ी इतने ना है कि आपको कौन बात मानेगा, ढेर बोलेगा तो कहेगा कि जाइए हटाइए, आप दूसरा हम गाड़ी कर लेंगे।
आपसे सवाल ये है कि 30 साल पहले स्थिति बहुत अच्छी थी, गाड़ियाँ इस रफ्तार से नहीं थी तो टमटम चल जाता था, लोग पूछते थे, लेकिन जब अब नहीं चल रहा है तो आप दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेन बात कौन काम करेगा, शुरू से ही सब काम करते आ रहा है, एक बैग ईटा उठावे लग कहिएगा तो ईटा उठेगा ना हम लोग, रिक्शा ऑटो इन सब के लिए नहीं सोचा? मेन बात पैसे नहीं है, टेम्पू ले वाला रिक्शा चलेगा नहीं, यही मैं लगा हुआ हूँ, जब तक ला चल रहा है जब तक ला चला रहे हैं, जैया थप हो जाएगा भैया, काम कहानी खत्म हो जाएगा हम सबके। तो आपके बच्चे उच्चे पढ़ाई करते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? लगे कि वो दसवा में है, एगो छठा में, एगो लगे कि यही चौथा पचवा में है। आपके घर में कमाने वाला आपके अलावा कोई है? बस अकेला है। अच्छा। अकेले हम और कोई नहीं है। तो 30 साल से आप कह रहे हैं आप टमटम चला रहे हैं, आप अपने बेटे को इस काम के लिए आने देंगे आगे? ना ना, जिंदगी में कभी भी नहीं, देखो तो हमने सब मजबूरी से जी रहे हैं, उसको कहाँ से ला रहे हैं? बताइए पहले। नाम सुभाष राय है। कितने साल से टमटम चला रहे हैं? हम तो लग रहा है कि 25 साल से चला रहे हैं। 25 साल से, तो अभी किस तरीके से कमाई हो रही है आपकी? इस तरीका तो लग रहा है कि 2-4 साल से एकदम ऐसा हो रहा है कि घोड़ा के पेट चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। आदमी के तो बातें दूसरा है। तो फिर जब ये चल नहीं रहा है तो आप क्यों नहीं कुछ और काम देखते? अगर हम लोग से ईटा पत्थर थोबाएगा नहीं, दूसरा के काम होगा नहीं, जो दिन चल रहा है जो दिन चला रहे हैं। अच्छा, अभी लगभग कितने लोग आप लोग अभी भी टमटम चला रहे हैं, और पहले कितने लोग थे अगर 25-30 साल पहले की बात करें और अभी में? घोड़ी तो 5-6-7 हज़ार से कम नहीं होगा। 7 हज़ार जी। अच्छा, घोड़ी कितना होगा? तो अभी 2-2.5-3 सौ होगा। नाम बताइए। मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। अच्छा, आप लोग से बातचीत करने पे एक चीज जो समझ आई कि आप लोग टमटम गाड़ी चलाना और पुरानी बातों को याद करके बहुत गर्व है आप लोगों के अंदर कि हमें बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत मान था हमारा, तो कोई किस्सा है जो आप बता सके हमसे कि क्या था उस जमाने में? उस जमाने में अच्छे थे, कमाई भी हो जाता था, अब तो कमाई नहीं है, कभी 500 होता है, कभी 1 हज़ार होता है, कभी होवे नहीं करता। नहीं, तो सिर्फ कमाई की वजह से आप कह रहे हैं या कोई और भी वजह थी कि मतलब मान सम्मान वाली जो बात आप कह रहे हैं ना उससे जुड़ा? शौक था। अच्छा। जो आदमी शौक से ही रखते थे ये लोग, सभी काम छोड़ के भी आदमी शौक कर रहे हैं, अपना पूरा कर रहे हैं, इसलिए लोग रखे हुए थे, उसी में कमाई होता था। अच्छा। शौक भी पूरा हो जाता था, अब तो वो सब चीज खत्म हो रहा है, शौक भी नहीं है, हम लोग पड़े हुए हैं, आधा जिंदगी काट दी, अब तो दूसरा काम क्या करें, अब इसी में लगे हुए हैं। तो आपके घर में आपसे पहले आपके पिताजी और दादाजी चलाते थे? जी, सभी लोग चलाते थे। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? अब तो हम लोग को बच्चे ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते जी हैं। तो आप लोगों ने कभी मन नहीं बनाया कि छोड़ के कुछ और कर लेते? अब नहीं, लोग चढ़ रहे हैं टमटम पे तो ऑटो ही चला ले, रिक्शा चला ले, बोझा ओझा मिलता था, इसलिए हम लोग लालच में रह गए। अब शादी ब्याह के जो ही लगन उगन चलता है तो समझिए कि लगन में कुछ कमाई हो जाती है, इसी ख्याल से हम लोग इसमें भिड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब दूसरा तो, काम क्या करें? अच्छा, अब तो चुनाव का टाइम है, आप लोग कह रहे कि कोई नेता आप लोगों को कभी भी पूछने नहीं आया है। नहीं है। तो इस बार ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या विकल्प है? अब तो हम लोग को उसी का है, लंटेन साहब को जिताएंगे, हम लोग इसके बारे में मांगेंगे कि हम लोग को भी मांग पूरा किया जाए, इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग को तो कहूँ अब जगह ही नहीं है रहने के लिए। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है जी? पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है? नाम तो सुना है। नाम सुना? चाचा आपने सुना है? सुने तो हाँ। अच्छा, क्या पता है उनके बारे में? ये हम तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बताएं। और पता का हम बतावे, सब तो वही है, किसको हम कहें? बाकीपुर से वो चुनाव लड़ रही है। देखिए, अब लड़ रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, सभी लोग लड़ रहे हैं। कार से अब तक आप लोगों ने मतलब मांग की है, किसी नेता से मिले हैं, जाके अपनी बात बताई है? बताए तो कोई सुनता ही नहीं है। किसके पास गए थे? लालू जी के पास भी गए, नीतीश जी के पास भी गए। अच्छा, तो कहाँ कोई सुनाव किया? नीतीश जी के पास कब गए थे? बहुत पहले गए थे। क्या बोला नीतीश जी ने, कोई आश्वासन दिया था? वो लोग तो सुनते हैं, किस बात का ख्याल ही नहीं उन लोग का रहता है। हम लोग को बात को कौन आगे माय बढ़ाने वाला है, कोई नेते नहीं है, कोई हम लोग को इंडिया नहीं है, ये नहीं है। तो जैसा कि आप बता रहे थे आप लोग कि पहले पटना में बहुत सारी जगह पे टमटम पड़ा होता है जो धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार हो गया, इस वाले पे भी लोगों की नजर है, आप कह रहे मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से इसको हटाया जाना है,
तो कोई बातचीत हुई है? बातचीत तो अभी नहीं हुआ है, मगर हवा मिला है कि हटने वाला है। मतलब कोई अधिकारी कोई आया था बात करने? ना अभी तो अधिकारी नहीं आया। तो फिर कैसे कैसे रोकेंगे इसको? अब हम लोग क्या रोकेंगे, हम लोग को तो मार के भगा दिया जाएगा तो भाग जाएगा। तो आपका यूनियन नहीं? यूनियन कोई रहेगा तब ना सर लड़ेगा, पहले यूनियन था अब खत्म हो गया। तो आप लोग मतलब बनाना तो आप ही लोग के हाथ में है ना? हाँ। तो क्यों नहीं बना रहे? अब बनावेंगे, यहाँ के लोग जितने लोग संगठन बनावेंगे तभी ना होगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों से कोई दूसरा काम होगा नहीं इस जगह से, आपको आपकी शान शौकत और लगाव भी है क्योंकि आप लोग 35-40 साल से काम कर रहे हैं, तो इतनी ऐसे ही जाने दीजिएगा? तो क्या किया जाए, अब उसी में कोई सुनने वाला होगा तो हम लोग को वातावरण आगे माए बढ़ाएगा। हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी लोग एक होके इसको बात को रखा जाए। तो आप लोग ये मुद्दा नहीं बना रहे कि हमारी इस मांग को जो भी पूरा करेगा उसको हम वोट देंगे, किसी मतलब उठा ही नहीं रहे मुद्दा? अभी तो इलेक्शन के टाइम है तब का मुद्दा उठे, पहले से तो ये हो रहा था बात, अब तो करीब आ गया है समय, अब देखिए किसका क्या होता है। आप लोगों के लिए क्या कर दिया जाए तो बेहतर होगा? हम लोग के पड़ाव मिल जाए, मांग यही पूरा हो गया हम लोग के, कमाने खाने का रास्ता व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगा कि अच्छे से इसको बना दिया जाए टमटम पड़ाव, जो सब लोग शहर में वो निशानी पटना के नाज है रखा जाए इसको, पहले की यादगारी चीज है, यही ना हम लोग कर सकते हैं बाबू। अरे हम लोग को तो बेहतर है कमाई के खाना है, बस ऐतिहासिक चीज है, इसको रखा जाए पटना में, इससे शोभा है।